नमः संस्कृताय। आइए आज आपको ले चलते हैं ऋषिकेश के उन वादियों में जहाँ गुरु जी ने नवरात्र के 9 दिन बिताए। ऋषिकेश के जंगल, गंगा का जल और ठंडी रेतें प्रकृति का ऐसा संगम है जहाँ पर जाने के बाद लोगों की अलग होने की इच्छा ही नहीं होती। नवरात्र का 9 दिन ऐसा लगा मानो 9 घंटे में ही बीत गया। सुबह उठने के बाद गुरु जी सर्वप्रथम गंगा जी के किनारे जाकर ठंडी रेतों में योगाभ्यास किया करते थे। उसके बाद गुरु जी बहुत से योग अभ्यास गंगा के जल में किया करते थे, फिर गंगा स्नान करते थे। स्नान करने के बाद पूजा करके अल्पाहार का निर्माण करते थे। गुरुजी नवरात्रि के 9 दिन का अल्पाहार पहले से ही निश्चित किए थे। दिन में 2 बार अल्पाहार गुरुजी करते थे। नवरात्र के 9 दिन किसी दिन आलू, किसी दिन मूंगफली, किसी दिन हलवा और किसी दिन केवल जल पीकर गुरुजी दिन बिताते थे। है आलू, मिर्चा और मूंगफली। गुरुजी स्वयं ही जंगलों में जाकर अल्पाहार का निर्माण करते थे और अल्पाहार करने के बाद पहाड़ियों में जाकर ध्यान लगाते थे। गुरुजी पहुंच गए हैं। देखिए ये गुफा है मेरा, इस गुफा में मैं बैठता हूँ। ये यहाँ है गुफा गुरुजी का, गुरुजी इस गुफा में जाते हैं। ये जो गुफा है, ये जो डंडा दिखाई दे रहा है, उस गुफा में जाकर बैठते हैं। शाम को लौटने के बाद पुनः योग अभ्यास और स्नान करते थे गुरुजी, और उसके बाद अल्पाहार करके फिर शयन करते थे। रास्ते हैं हम लोगों के जाने का गुफा में, इसी रास्ते से हम लोग प्रतिदिन गुफा में जाते हैं और रोज अलग अलग गुफाओं में जाते हैं। और यहाँ देखिए सांप ओप इस गुफा से में रहते हैं। ये देखिए केचू पड़ा हुआ है, ये भी इसको पड़ा है, ये भाग रहा है, भाग गया। एक डंडा गुरुजी हाथ में ले लीजिए। एक
जितना रास्ता हम लोग कवर कर लिए हैं, आप आगे जा रहे हैं वो ऊंचाई पर जाना है जो ऊंचाई पेड़ दिख रहे हैं, अब यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। गुरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई हनुमत से सब सुख रही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर हम गुरुदेव की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्धिशा की गौरीशा। ये देखिए ये गुफा है, इसमें गुरु जी वहाँ बैठे हैं, तो हम लोग यही इस गुफा के नीचे आ गए हैं। हम लोग यहीं गुफा में बैठेंगे, बस इतना ही। नवरात्र के अंतिम दिन गुरु जी ऋषिकेश के योगपीठ में भी गए थे, जो अभयारण्य योग आश्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए योगपीठ दिख रहा है ये घर, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। देखने में नज़दीक लग रहा है लेकिन बहुत दूर है भी। 90 करोड़ का बना है ये योगपीठ, हम लोग पास जाके इसका वीडियो बनाते हैं। हम लोग इससे ऊपर चले आए हैं, गुरु जी अब जा रहे हैं और ऊपर हम लोग जाएंगे। यहाँ शेर चीता भी है और अब डंडे की हम लोग तलाश कर रहे हैं, कहीं कोई डंडा मिल जाए। गुरु जी इतनी अपनी गति को बढ़ा दिए हैं क्योंकि हल्ला हो रहा है नीचे कि भागिए। ये देखिए गहराई, ये देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो संस्कृताय।